ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਸਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਅਭੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਰੂਹ। ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਪੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਵੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਕੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯੂਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇ, ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਜਬ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਕਮਾਲ ਕਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮੇ। तो खाया पिया तो अभी थोड़ी बहुत बन गया, फिर दोबारा से 10-15 दिन बाद फिर वापस आ गए। अच्छा, आपका कैसा है वेट कंट्रोल कर लेते हो 10-15 दिन में के कुछ भी टच भी किया तो सीधा 2 किलो शूट हो गया? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो वेट कंट्रोल कर लेता हूँ। और क्या ना, मेरा टाइमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट है। अब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में ना शादी थी घर में, तो खाना पीना जोरदार चल रहा था, तो थोड़ा सा लिबर्टी ले ली तो ना फिर थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको, अदरवाइज ना मैं कंट्रोल में ही हूँ। अरे ग्रीन टी पिए बाय गॉड। तभी शुरू हो गई है वो कहानी, नीचे आने वाली कहानी शुरू हो गई है। सर फाइनली वेलकम टू द होलसम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, पहला सिंगल आपका, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि पहली दफा मैं पंजाबी गाना लेकर आ रहा हूँ और पहली दफा मैंने कुछ ट्राई किया है पंजाबी में करने का। तो बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि कुछ करना है करना है करना है करना है, बट क्या होता है ना कभी कभी काफ़ी चीज़ें आप सोचते हो लेकिन ना जब तक वक्त मुकर्रर नहीं होता तब तक ना वो आप कर नहीं पाते हो। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने ये टाइम लिखा हुआ था कि ना इस टाइम पे ही मैं करूँगा और इस टाइम पे रिलीज होगा जी। तो फाइनली वो वक्त आ गया है और आई एम वेरी हैप्पी कि ना गाना बहुत अच्छा बन के आया है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर और साउंड की तरफ थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच रखा है, स्वीटनेस की तरफ ध्यान रखा है, थोड़ा सा रोमांस की तरफ, थोड़ा रोमांटिक मूड का ये गाना है। सर इतना बोलने से अच्छा है ना हम सुन ही लेते हैं दो लाइनें प्लीज। ओके। इश्क आप भी अवल्ला, ओ देखूं भी अवल्ले, जिदे पेश पे जावे कख छड़ दानी पले, कख छड़दा नी पले, सामने बिठा के तनु लाई जावा तेरी हाजरी। सामने बिठा के तनु लाई जावा तेरी हाजरी, जिस पल ना वेखा तैनू उस पल ना लगदा मैनू, जिस पल ना वेखा तैनू उस पल ना लगदा मैनू, होवे ओयो पल आखरी। सामने बिठा के तैनू लाई जावा तेरी हाजरी। सामने सर नूं आपां अज बिठा लिया पीटीसी शोकेस ते, इत्थे हाजरी लगी है। सर मैं पंजाबी बोल रहा हूं, आपको पंजाबी में समझ आ रही है मेरी बात? मैं हां जी हां जी बिल्कुल पंजाबी, तो पंजाबी मैं सारी गल पंजाबी च करूंगा। हां जी मैं हिंदी में हिंदी। चलो ठीक है। अच्छा, इस तो पहला बंगाली, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इतना टाइम क्यों लग गया पंजाबी गाना करने च? आ दसो भाजी, मैंने पहले पहले ही जवाब दिया ना आपको कि वो देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि ना जो चीज़ें डेस्टिनी होती है हर चीज़ की वो उसी वक्त होता है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था बट कुछ हो नहीं रहा था, मतलब मैं किसी चीज़ में बिजी हो जाता था। सोचा था मैंने काफ़ी दिन से, अपनी टीम से भी कहा था कि मैं एक पंजाबी करता हूँ और जिसमें ऐसा मूड होना चाहिए, पर बट लिखा नहीं था। अभी लिखा था तो अभी करेक्ट वक्त पर हो गया। 2007 मैंने याद है उस साल, एक दिन तेरी राहों में मैंने गूगल किया and मैंने उसे कहा कि आ कौन सिंगर है, हाउ डिड दिस सॉन्ग कम टू यू? 2007 वाज पॉसिबली जो थोड़ी सब तो वड्डी ब्रेक सीगी, द बिगेस्ट ब्रेक दैट जावेद, द नेम जावेद। यस यस यस, टेल अस अबाउट के हाउ डिड दैट सॉन्ग, किदा आया सॉन्ग? वो गाना बहुत ही एक इत्तेफाक की बात है। तो मैं घर पे था और मुझे कॉल आया प्रीतम दा का कि जावेद ऐसा ऐसा एक गाना है, अब फौरन कृष्णा स्टूडियो में आ जाओ, कृष्णा में रिकॉर्ड हुआ था वो गाना, स्टूडियो में आ जाओ। तो मैं स्टूडियो गया, स्टूडियो जाके मैंने कहा गाना सीखा,
तो गाना सीखने के बाद में प्रीतम दा ने कहा कि जावेद, प्रीतम दा मौजूद नहीं थे, उनके जो असिस्टेंट थे वो मौजूद थे, और मैंने ये गाना गाया। गाना गाने के बाद में जब प्रीतम दा ने सुना तो कहा कि जावेद एक काम करना, मैं जैसा गाता हूँ ना वैसे गा लो। फिर उन्होंने स्क्रैच गाया और स्क्रैच को मैंने फॉलो करके वैसे ही गाया, पूरा पैशनेट होके मैंने पूरा गाया वो गाने को। फिर दोबारा उन्होंने सुना तो मुझे लगा कि पता नहीं ये गाना ओके होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने तो अपना बेस्ट किया था। तो इस गाने की जब जो फिल्म रिलीज़ हो रही थी, म्यूज़िक रिलीज़ होने वाला था, उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले मुझे कंपनी से कॉल आया, टिप्स कंपनी से, कि कंग्रेचुलेशन, सबसे पहला गाना आपका ही उसमें लॉन्च हो रहा है और आपको ना आना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ, माय गॉड, इट्स क्योंकि मैं वो गाना मुझे बहुत पसंद था जी। और मैंने बहुत दिल से गाना गाया था। तो इस तरह से ये गाना मेरे मेरे खाते में जुड़ा और कहना कह सकते हैं कि ना ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जहाँ से मेरी लाइफ एक बहुत एक कहते हैं ना पटरी पे आ जाती है, तो ना वो उस तरह से पटरी पे आ गई और उसके बाद में फिर मेरे एक के बाद एक गाने आने लगे। सर 2007 जब आप जो तुसी जो गल कर रहे हो वो दौर से जब आपको बुलाते थे, इनवाइट करते थे, एंड उस तो बाद यू यूज्ड टू गेट द सॉन्ग। यस। आजकल बहुत सारे सॉन्ग व्हाट्सएप पे आते हैं, पहले आपको व्हाट्सएप पे गाना मिलता होगा। हाँ जी हाँ जी। अभी सर, भी गाना अभी कैसा लगा, करोगे आपके नहीं करोगे? नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे कंपोजर्स, नए नए कंपोजर्स आते हैं कि ना वो कहते हैं कि ना सर, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हर इंसान सोचता है कि ना आप गाना व्हाट्सएप कर दो, मैं सुनूंगा, मैं स्केल वगैरह अगर देखना है तो स्केल वगैरह चेक करके फिर आपको रिप्लाई करूंगा कि स्केल ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो पहले लोग, पहले ये नहीं था, इस वजह से व्हाट्सएप नहीं था तभी 2007 में, तो मैं इस वजह से पर्सनली जाना पड़ता था। बट क्या होता है कि ना जो पर्सनल टच होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि आप है ना ऑन द स्पॉट जो भी हाँ या ना या जो भी कंफर्ट डिसकंफर्ट है आप इमीडिएटली ऑन द स्पॉट है ना डिस्कस कर सकते हो। बट व्हाट्सएप में फिर आपको कहीं दिमाग निकल गया तो फिर आपका दिमाग निकल गया, तो इस तरह से होता है। बट अब बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इमीडिएटली किसी भी चीज़ को रिप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रिएक्ट कर सकते हैं। पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आपका क्या नाम है सब पे? जावेद हामिद अली। जावेद हामिद अली, लेकिन ये पहले नाम कुछ और था, नाम क्यों बदला, क्या स्टोरी थी? जावेद हुसैन से जावेद अली, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, नाम क्यों बदला आपने? एक्चुअली मैं गुलाम अली खान साहब का बहुत बड़ा फैन था और उनसे उनके जैसा बनना चाहता था। बचपन में क्या होता है ना, आपके ड्रीम्स डिफरेंट होते हैं, जब आप बड़े होते हो तो आपका विजन अलग हो जाता है। तो मैं बचपन में ऐसे बैठ के सोचता था, ओ माय गॉड, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गुलाम अली खान साहब एंड आई वांट टू बी लाइक दिस एंड लाइक हिम, और उनके जैसा नाम होना चाहिए, उनके जैसा पर्सनैलिटी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनकी जैसी गायकी होनी चाहिए। तो ऐसे मैं अपने डैड के पास गया और डैड को बोला कि पापा, मेरा दिल कर रहा है कि जावेद हुसैन की जगह जावेद अली लगाया जाए अपने नाम के आगे। मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है, ऐसे मैंने कहा उनको। तो मुस्लिम्स में क्या होता है कि आप मोहम्मद जावेद भी रख सकते हैं, जावेद अहमद भी रख सकते हैं, जावेद हुसैन भी रख सकते हैं, जावेद अली भी रख सकते हैं। इसमें ये नहीं कि ना आपके डैडी का कुछ वो रखना पड़ेगा या फिर है ना सर नहीं, मतलब अहमद है तो अहमद ही रखना पड़ेगा। तो मेरा क्योंकि इन्फ्लुएंस था उनका इतना मेरे ऊपर कि ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने डैडी को बोला, मैंने बोला पापा गुलाम अली उनका नाम है तो मैं जावेद अली रखूं ताकि उनका असर पड़े मेरे ऊपर। तो मैंने कहा, तो मेरे डैडी ने बोला क्यों नहीं, वाओ, क्योंकि उस्ताद आपको रास्ता दिखाता है, आप जिसको चाहते हो, आप आपका आइडल आपको प्रेरणा देता है आप आगे बढ़ने की। तो डैडी ने बोला कि ना बिल्कुल आप, तो अली के नाम में जो वजन था वो मेरे लाइफ में आया और उससे मेरी लाइफ में चार चांद लगे, फिर मैंने अपना नाम जावेद अली लिखना शुरू कर दिया। सर वो की मोमेंट होएगा जब तुम अपने आइडल को मिलते हो फर्स्ट टाइम, व्हेन यू मेट गुलाम साहब। सर जब मैं छोटा था तो मैं एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अशोक खन्ना जी, तो उनके घर पर हमारा आना जाना था, तो उनके घर पर वो आते थे, तो मेरा ड्रीम था, ओ माय गॉड, कभी ज़िंदगी में उनको मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा या कैसे मुलाकात होगी। तो उनके घर पे वो रुके हुए थे और जिस वक्त मैं उनके घर पहुँचा तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो करोल बाग में है या कहीं भी है, दिल्ली की बात है।
तो आप यहाँ बैठो, वो आ रहे हैं वापस। अच्छा मैंने कहा कितने टाइम भी बैठूंगा, लेकिन मुझे आई वॉन्ट टू सी हिम। राइट तो मैं बैठा रहा बैठा रहा, जैसे दरवाजा खुला और मैंने उनको देखा, तो मैं एकदम, यार ये मैंने क्या देख लिया, मतलब शिवरिंग। पा लिया मैंने कुछ। माय गॉड मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा थॉट था। तो सर वो पागलपन, वो मैडनेस, उसको अल्फाजों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। क्या फीलिंग होती है जिसको आप चाहते हैं और उनको आप अचानक सामने देख लो, तो वो बहुत ही बड़ी फीलिंग होती है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है सर। वो मुझे फील हुआ फर्स्ट टाइम उनको इतना मिला। इम्पैक्ट पे है कि ना ही बदल देता सर ने हाँ अपना हाँ 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 बट नाम बदलन तो याद है मेनू सर, आपने एक नाम को और बदला है बोलिए। हाँ दबंग 3 में। अच्छा राज वो साहब जिन्होंने ओरिजिनली वो गाना गाना था, जी टेल मी द स्टोरी के साजिद वाजिद कॉल्ड यू, जी उन्होंने जी कॉल किया हाँ जी कि राज साहब तो अपना गाना नहीं गवा रहे एंड यू आर गोइंग टू सिंग द सॉन्ग। नहीं, राहत भाई ने गाया हुआ था पहले, जी गाया हुआ था। और मुझे साजिद भाई, वाजिद भाई ने कॉल किया कि आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस गाने को मेरे अलावा और 8 सिंगर्स ने गाया हुआ था। आठ सिंगर्स हाँ जी, 7 से 8 सिंगर्स ने इस गाने को गाया हुआ था। उसमें से जिसका बेस्ट लगा वो उन्होंने रखा। मुझे पता था कि कोई और भी गाने वाले हैं ये गाने को, और दूसरा तीसरा ऐसा कुछ मेरा नाम आ रहा था। तो मेरे अलावा भी फिर बाद में बहुत सारे लोगों से गवाया, लेकिन मेरा अच्छा लगा नैना और लड़े नैना दस लड़े के लड़े रह गए। और ये गाना ऑफ कोर्स बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। हालांकि इस गाने का वीडियो भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वीडियो ऑल्सो। और मुझे उम्मीद है कि नहीं, ये गाना बहुत लोगों को पसंद आएगा। आ रहा है ऑफ कोर्स, वीडियो आने के बाद में और इस गाने को बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये गाना हुआ। और मैं थैंकफुल, थैंक्स बोलना चाहूँगा ऑफ कोर्स साजिद भाई, वाजिद भाई को, कि उन्होंने इतना खूबसूरत गाना मुझे दिया। सर आपने तारीफ कर दिया, आप 2 लाइनें जरूर सुनाएंगे फ्रॉम द सॉन्ग। नैना लड़े के लड़े रह गए, 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 नैना लड़े के लड़े रह गए। सर 7 सिंगर्स ने आ गाने नु गाया है, जैसे आपने बताया अभी आपस में लड़ाई होती है, तू नहीं आएगा मैं गाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा तू गाएगा, ऐसे नहीं, या क्या आप होता फोन है, तो करते होगे कि तूने भी गाया है क्या, मैंने भी गाया कोई किसी को फोन नहीं करता है कि तूने गाया है नहीं गाया है। सब सब जो भी सिंगर्स आते हैं वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान ने अपना अपने हिसाब से बहुत अच्छा गाया होगा, लेकिन क्या होता है ना, गाने गाने पे लिखा होता है गाने वाले का नाम। तो इस गाने पे मेरा नाम लिखा हुआ था, तो इसलिए ये गाना मुझे मिल गया। और ऑफकोर्स वंस अगेन सलमान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और साजिद भाई भाई सर शाहरुख सलमान ऋतिक रोशन सारे लिए तुसी गाने गाए हैं, विच इज योर फेवरेट? सही। कहना बहुत मुश्किल है, सारे अपने बहुत अपने बड़े जगह, नाम है, बहुत बड़े बहुत नाम बड़े बड़े नाम हैं सब लोग। और सभी के लिए, शाहरुख भाई के लिए मैंने 2 फिल्मों में गाया है, रईस में और इसमें जब तक है जान। जी। ऋतिक रोशन के लिए जोधा अकबर, कहने को जश्न कहने को बहार जश्न आया है, बहार आए, आमिर खान जी के लिए उसमें, रजनी के लिए, विच योर सलमान फेवरेट फेवरेट? सलमान भाई के लिए तो तीसरा गाना है मेरा माशाल्लाह। तो ऐसा कहवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे गाने, अगर आप बोलेंगे कि ना कौन सा बेटा आपका फेवरेट है, तो बड़ा ऑन मुश्किल होगा। पॉइंट आंसर्स दे रहे हैं सर सारे दे सारे। सर जिधर फ्राइडे मॉर्निंग और थर्सडे इवनिंग एक एक्टर के लिए बहुत नर्वस होती है हाँ फिल्म कैसे करेगी, जब आपका कोई गाना होता है उस फिल्म दे विच, हाँ जी, थोड़ा आप भी नर्वस होते हो? बहुत नर्वसनेस होती है कि ना लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि क्या है कि वो नर्वसनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप है ना पूरा खुल जाएंगे कि नहीं मैंने जो किया वो बेस्ट ही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी आने की चांसेस है। मुझे लगता है थोड़ा सा नर्वस रहता है ना, तो आदमी थोड़ा सा डेडिकेटेड रहता है अपने काम की तरफ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नर्वस रहना चाहिए या फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दो, ये नहीं मेरा कहने का मतलब है। थोड़ी सी नर्वसनेस, जैसे हमें स्टेज पे जाने में भी थोड़ी सी हल्की सी नर्वसनेस रहती है, जो वो कि आपका हर बेस्ट इन लेकर आती है सर। वो अपना बेस्ट लेकर आती है। मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, ये एक जुनून रहता है, तो वो ठीक होती है। फिल्म दे हिट या देखिए फ्लॉप होने दे विच सॉन्ग्स का कितना रोल होता
देखिए, फिल्म के हिट होने या फ्लॉप होने में मुझे लगता है म्यूज़िक जो है वो लोगों को सिनेमा घर तक लेकर जाता है। अब फिल्म की स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, फिल्म की स्टोरी और म्यूज़िक का भी बहुत, ऑफ कोर्स म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होता है फिल्म के उसमें। लेकिन है ना, फ्लॉप और उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो जनता जनार्दन है, अपने आप डिसाइड करेगी वो क्या करना होता है। सुपर। आज तक आपका रिकॉर्ड किया सबसे फास्टेस्ट गाना कौन सा है कि आप 15 मिनट दे विच करता, और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा? एक गाना आया था प्रतीक बब्बर की फिल्म, ए आर रहमान सर का म्यूज़िक था उसमें गाना, वो जावेद साहब ने लिखा हुआ था, जावेद अख्तर साहब ने, रहमान साहब का म्यूज़िक था, गाने की बोल थे जीना जीना। तो उस गाने की ना थोड़ी सी बीट, मतलब टाइमिंग जो है वो बहुत अलग था, बहुत ही डिफरेंट था। उस गाने को गाने में मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे, बाकी अच्छा, अदरवाइज है ना कोई भी गाना 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। आपने रहमान साहब की बात की, मेरे जी, को एक डाउट क्लियर कर दो, सिर्फ रहमान साहब रात को ही काम करते हैं सिर्फ? रहमान साहब मोस्टली रात को काम करते हैं, बट ऐसा नहीं कि दिन में कभी काम नहीं करते, दिन में भी काम करते हैं लेकिन है ना मोस्टली रात को काम करते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है, मोबाइल फोन्स नहीं रहते, रात में पीसफुल रहता है, किसी का आना जाना नहीं रहता है, तो मुझे लगता है ये थॉट रहता है उनका, जिस वजह से वो रात में काम और करते हैं, रहमान उनका साहब कम्फर्ट। से, अगर आपने रहमान साहब के लिए गाना गाना है, आपको चेन्नई जाना पड़ता है, नहीं, मैंने ऐसा ये रहमान सच है? रहमान साहब के बहुत सारे गाने गाए हैं, इनफैक्ट काफ़ी गाने गाए मैंने। जी अभी रिसेंटली भी एक गाना मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया है, रहमान सर के लिए, लेकिन वो गाना मैंने चेन्नई में नहीं, उनका मुंबई में स्टूडियो है वहाँ पे रिकॉर्ड किया। ओके ऐसे बहुत सारे गाने वो अलग अलग स्टूडियोज़ में भी हमने रिकॉर्ड किए। भाई अब जैसे ना अर्जिया गाना जो है हमारा जी, दिल्ली 6 का, वो मैंने आधा गाना बॉम्बे में रिकॉर्ड किया और आधा गाना चेन्नई में रिकॉर्ड किया, अच्छा। क्योंकि 8 मिनट का गाना है, 4 मिनट का गाना मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, 4 मिनट का जो गाना था वो तकरीबन उसके बीच में 2-3 महीने का गैप हो गया, तो मैंने ना आधा गाना वहाँ पे रिकॉर्ड किया। सर, सिंगर, जज, मेंटोर, पाजी ने होस्ट भी किया था बीच में, वैसे हाँ जी, एक कोई चीज रहेगी, एक्टर, पाजी एक्टिंग करनी है आपने? पाजी एक्टिंग मैंने मना तो किया नहीं है, क्योंकि मुझे अगर ऐसा कोई मौका मिलेगा या फिर सबसे पहला मेरा काम है, मेरा जिसकी वजह से मैं पहचाना जाता हूँ वो है गाना, तो वो गाना अच्छा चलता रहे और फिर मुझे कोई एक कोई ऐसा कोई रोल मिले कि जिसमें मुझे ऐसा लगे कि करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली वो ट्राई करूँगा। बट क्योंकि मुझे एक्टिंग आती नहीं है और मैं अपने आप को एक्टर बनाने की कोशिश करूँ तो, और मैं अपने आप को समझने लगूँ मैं एक्टर बन गया हूँ, नहीं, मेरा काम गाना है और मैं गाना ही अच्छा कर, थोड़ा बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई जोर डालेगा या फिर मुझे कोई प्रेशराइज करेगा कि नहीं जावेद करो और अच्छा बड़ा कैनवस होगा, तो मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करना शुरू चाहूँगा। सर, तुसी टिपिकल नॉर्थ इंडियन हो, हाँ दिल्ली जी, तो है ना, हाँ जी, तुसी कभी शीशे दे विच आ देख के नहीं किया कि एक दिन आ चेहरा स्टार बनेगा पक्का, मतलब आई विल बी ऑन द स्क्रीन फॉर एवर काइंड ऑफ थिंग? नॉर्थ इंडियंस बहुत सारे करते हैं। मिरर के सामने खड़े होके मैं कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं, अरे यार तू तो बहुत कमाल है, और मैं क्या है ना थोड़ा सा शायद शाय किस्म का हूँ, थोड़ा ग्राउंडेड रहना पसंद करता हूँ, और फिर मैं अपने आप को ना बहुत 30 मार्क का बताता भी नहीं हूँ। अभी कहीं मैं गया था किसी जगह, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, और ये बड़े इतफाक़ की एक सवाल आपने किया है इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे गया, वो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, और मैंने वो बंदे बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पे और उन्होंने कहा कि आए जी, अच्छा हाथ मिलाई, क्या हाल है, मैंने कहा जी मेरा नाम जावेद है, अच्छा, कुछ काम था मुझे, तो कर लो कर लो कर लो। तो एक लेडी आई और मेरे साथ में उन वो लेडी आके मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि इनका नाम जावेद अली है और कुछ, अच्छा ये आप ऐसा है ऐसा है, उन्होंने इन्होंने ये किया है और ऐसे ऐसे गाने, तो वो बंदे फिर खड़े हो गए। अब मैं जाता अपने आप को एकदम कूल बना के और इस तरह से, तो शायद उन पे इम्पैक्ट पड़ता तो इसकी नौबत ना मतलब इक्को सिंपल रूल है, अपने काम नाल मारो, तुसी अपने काम से मारो आप। बाद में जब मैं खड़ा हुआ तो खड़े होके भी वो बंदे मेरे को मेरे साथ मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आए, और पहले ऐसे क्या रहे, ठीक है हो गया काम आपका, तो लेकिन मैं कभी भी ना ऐसा अपने आप को थोपता नहीं हूँ किसी के ऊपर कि यार मैं कोई स्टार हूँ या फिर कोई इतना बड़ा
मैंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है या अवार्ड्स मिले हैं या जो भी है, जैसा है बस वैसा रहने में मुझे पसंद आता है। और मुझे सर मुझे बड़ा ना कोफ्त होती है, जब कोफ्त होती है मतलब उलझन होती है कि कोई भी इंसान, अरे यार तू तो यार फाड़ देगा, चीर देगा और ये कर देगा, वो मुझे नहीं आता है सर। सर एक कन्फेशन करनी है। बोलिए बोलिए। मैं कल रात को जब मुझे पता चला मैं पाजी दी इंटरव्यू लेनी है, मैं हर जगह रिसर्च की थी कि कोई कंट्रोवर्सी मिल जाए, कोई बात मिल जाए लेफ्ट और राइट, ओ मैं सर तो पूछूंगा, ओ सर तो फड़ लांगा उथे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जावेद अली की, 3 घंटे की रिसर्च में की है, नो कंट्रोवर्सी। रियल और रियल लाइफ में हर बंदा डिफरेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाउ आर यू सेम, तुसी कितना सेम रहते हो? रियल और रियल लाइफ में अलग रहूंगा ना तो मुझे ऐसा लगता है मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर रात को नींद नहीं आएगी तो नींद, अगर रात को सुकून से नहीं सो पाता है तो जिंदगी में कुछ भी मिल जाए उसका कोई फायदा नहीं। ब्रिलियंट आंसर, सच्चा आंसर, क्योंकि पाजी दे गाने भी इदा दे हैगे। मैं कभी आपको इमेजिन नहीं कर सकता कि आप जावेद अली खड़ा एक महंगी गाड़ी और लड़कियां दो चक्कर काट रहे हैं, तुसी इदा दे गाने कर रहे हो, करोगे कदे इदा करोगे गाने? नहीं, मैंने मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत किया ना मैं तो मेरे वीडियो में ना, लेकिन है ना मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा कहते ना वो एक बॉर्डर से क्रॉस करके वैसा कुछ काम किया नहीं है, लेकिन मेरी मेरी हीरोइन है इसमें और मैंने एक वीडियो किया है और बहुत वो हमारा काम है, वो एक अलग चीज है सर, अगर कभी करना पड़ा तो वो भी करना करेंगे। आई विल लुक फॉरवर्ड, मैं वेट कराऊंगा उस दिन जावेद अली करेगा। तेरी हाजिरी पाइज द न्यू ट्रैक जितना तुसी आ रहे हो, इंट्रोड्यूस हो रहे हो पंजाबी इंडस्ट्री दे विच एज अ सिंगल, फर्स्ट सिंगल, किथे शूट होया गाना, किदा एक्सपीरियंस सीगा टू वर्क बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज दे विच? पाजी ये गाना भिवंडी में शूट किया हमने, मुंबई में शूट किया और बहुत ही कमाल के लोकेशंस हैं और गाना गाने का जो साउंड है उसका बहुत हम लोग ने वर्डिंग्स का काफ़ी ध्यान रखा, उसकी कंपोजिशन का और स्पेशली साउंड का हमने बहुत ख्याल रखा इस गाने में। और क्योंकि जैसा मेरा नेचर है या जिस तरह की गायकी में गाता हूँ वो उसका मैं ख्याल रखते हुए ऐसा भी नहीं होगा एकदम ऑफ बीट हो जाए। हम लोगों ने जब ये गाना बन रहा था तो हम लोगों ने ये ख्याल किया कि किस जोन में जाना चाहिए हमको। पंजाबी में भी ना बहुत सारे जोन्स हैं ना, उसमें आप थोड़ा सा ना भंगड़ा पंजाबी भी हैगा और ये भी हैगा फंक पंजाबी भी हैगा। तो मैं क्या, मैंने कहा मैं ये थोड़ा सा ना रोमांटिक की तरफ जाता हूँ क्योंकि रोमांटिक गाने जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक लोग सुनते हैं। जी। तो मैं गुरमीत जी हम बैठे और हमने डिसाइड किया कि हम इस जोन में जाते हैं, थोड़ा सा रोमांस के जोन में। तो वर्ड्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, कुमार जी ने वर्ड्स लिखे हैं और गुरमीत जी ने कंपोज किया है बहुत अच्छा। और साउंड जो है वो तेरी हाजिरी वो बहुत हमें तो अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं जनता जनार्दन है उसको कैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा है और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में पहली दफ़ा पहली बार एक कुछ नया कुछ करने की मैंने कोशिश की है, पहली दफ़ा एक सिंगल के तौर पे। मैं हिंदी भी बना सकता था लेकिन पंजाबी ही क्यों, पंजाबी इसलिए किया क्योंकि पंजाबी गायकी मुझे बहुत पसंद है, पंजाबी साउंड मुझे बहुत पसंद है, पंजाबी दौर चल रहा है ऑफकोर्स। तो कहते हैं ना आपको ना जमाने के साथ चलना चाहिए, तो वो उसके साथ में चलते हुए अपना टेस्ट को लेकर मैंने इस गाने में लाने की कोशिश करी है। और I like the word पंजाबी दौर चल रहा है। हाँ। तुसी केड़े पंजाबी सिंगर्स नु सुने भाई ग्रोइंग अप, केड़े पंजाबी सिंगर्स? पाजी मैं ऑफकोर्स नुसरत साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, कौन नहीं है उनका। और मैंने पंजाब में गुरदास मान जी बहुत, मैं मुझे बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको, वो भी मुझे भी उतना प्यार करते हैं। सरदार सिकंदर जी वो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं और तो बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिनको जिनको हम पले बड़े हैं, जब बड़े हुए हैं उनको सुन सुन के सबको बहुत मैं लाइक करता हूँ। मैं एक पंजाबी टेस्ट पाजी दा लेना चाहना बिल्कुल। आओ जी पाजी। तो कुछ स्लैंग्स कुछ वर्ड्स है मेरे पास। हाँ जी। पंजाबी आप बताना कि इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बताओ बताओ। पहला वर्ड छेती। जल्दी। वन ऑन वन। पटोला। पटोला पटोला नहीं, मैंने पता नहीं पता। बहुत सुंदर लड़की उन्हें पटोला क्या? पटोला। अच्छा, वन आउट ऑफ टू। अभी एक चीज मैंने सीख ली, मैं सीख के जा रहा हूँ। चलो पटोला एक बहुत सुंदर लड़की।
किसी पटोला हो तीजा वर्ड कैट, बहुत ही कमाल है यार वो कैट है यार, तो कमाल के भी ऊपर वाला जो होगा ना उसको कैट कहेंगे। ओए ओए लास्ट वर्ड गेड़ी, कौन सी गेड़ी, गेड़ी गेड़ी मतलब पाजी बता दो, गेड़ी होता है ऐसे ही घूमना बिना पर्पस के, इधर गेड़ी मार के आने हैं, घूम के आते हैं। अच्छा विदाउट पर्पस गेड़ी मार के, हां मतलब टाइम पास करके आते हैं। टू आउट ऑफ फोर, कुछ गाने बहुत पॉपुलर पंजाबी गाने। हां जी हां जी, मैं पहली लाइन बोलूंगा तुझे दूसरी लाइन डालनी, ठीक है? पहला है कुड़ी कहती बेबी पहला जगवार ले लो फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। अच्छा नहीं सुना, नहीं सुना पाजी। ओके दूसरा चैलेंज, हाय नी हाय नखरा तेरा नी। हाँ ये गाना सुना है, हाय नी हाय नखरा तेरा नी दा 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 नी। जो लिरिक्स सुनाओ, नखरा तेरा नी हाय रे टिड गबरू नु मारे। हाँ ये वर्ड्स मुझे नहीं पता, मुझे ट्यून याद है पर मजा आ रहा है, ट्यून तो याद है भाई को। भाई तीसरा गाना ओला के तीन पैग बलिए, ये भी गाना सुना हुआ है लेकिन मैं इसके वर्ड्स तो ऑफकोर्स नहीं बता सकता। एक बहुत पॉपुलर गाना बोलो, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ असी भी छुट्टा दे दो उसी कल्ले कल्ले कि जाई जाने ओ सानू भी छुट्टा दे दो। फाइनल क्वेश्चन, ओ कुड़ी मैनू कहंदी, ओ कुड़ी मैनू कहंदी है मैनु जुत्ती ले दे सोनिया मैं कहना गोरी। ओए ओए जाय सर सुपरली इंप्रेस्ड। मैं आपको जाने दूंगा लास्ट क्वेश्चन। ओके जावेद साहब के बहुत एपिक सॉन्ग्स है, बहुत एपिक सॉन्ग्स। मैं कुछ लाइन बोलूंगा, आपको उसकी पिछली लाइन बोलनी है क्योंकि आप ही के गाने और भी डिफिकल्ट है, और मैं ट्यून नहीं गाऊंगा क्योंकि फिर बेइज्जती हो जाएगी मेरी। गाओ ना भाजी। प्यास से लेके आया था दरिया वो भर आया, पिछली लाइन गानी है इसको। जो भी तेरे दरिया झुकने जो सर आया मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया प्यास लेके आया था। सर इतने डिफिकल्ट लिरिक्स होते हैं, कई बार लाइव शो तुसी कर रहे होते हो कई होता है कि भूल जाते हो लिरिक्स? कभी कभी होता है, लेकिन जो गाने ना हम रूटीन में गा रहे हैं एवरी शो हम गाते हैं तो वो गाने भूलते नहीं क्योंकि आपके लिरिक्स बहुत भारी है सर। जैसे क्या है ना, अभी नया नया गाना रिलीज हुआ है अभी दबंग 3 का नैना लड़के, तो वो गाना मैं देख के गाता हूँ, अदरवाइज मैं सारे गाने बाय हार्ट है। तो वो गाना भी है ना, जब मैं 10 शोज कर लूंगा उस गाने के साथ में तो ना फिर वो गाना भी याद हो जाएगा, और फिर ना उस गाने के लिए भी मुझे वर्डिंग्स देखने की जरूरत है नहीं, फिर कभी भूलता नहीं हूँ। छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में, कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। आहा हा, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। फाइनल क्वेश्चन, वो जो मुझ में समाया कुन पाया कुन कुन पाया कुन पाया कुन पाया कुन पाया कुन पाया कुन जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया। कई बार इदा लगता है कि मैं पैसे मिलते हैं काम करने लिए, इन्नी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। इट्स अ प्लेजर जावेद सर, बहुत बहुत स्वागत होए जी आया नू टू द पंजाबी इंडस्ट्री। उम्मीद करते हैं होर वधिया वधिया गाने तुसी गाओगे। थैंक यू वेरी मच एंड बस की ब्लेसिंग मी, और ये पहला मेरा पंजाबी गाना आ रहा है और बस आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है, जिसका नाम है तेरी हाजिरी। पीटीसी के सारे व्यूअर्स वालों बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू सो मच।